नवीनबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन को बड़ी सफलता मिल गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जाते जाते बाला साहब ठाकरे के बदले दीबा पाटिल के नाम को मंजूरी दे दी। यह प्रकल्पग्रस्तों की बड़ी जीत मानी जा रही है। हालांकि इस जीत के पीछे पीएपी नेता दशरथ भगत का समर्पण याद रखने लायक है, जिन्होंने अपना लहू देकर न सिर्फ प्रकल्पग्रस्तों का स्वाभिमान जगाया बल्कि उन्हें अपने हक के लिए सड़क पर उतरने के लिए भी प्रेरित किया। देखिए रिपोर्ट। पहली घोषणा होती है हम देंगे, पहली घोषणा होती है हम देंगे। आता दशरथ भगत म्हणतो कोण देईल किंवा देईल, पहिला खून हम देंगे। प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये मनामध्ये तोच एक विचार आहे, तर नाही दिवा पाटील साहेबांचं नाव या एअरपोर्टला लागलंच पाहिजे। सरकार कुणाला सेवो त्याच्याशी आम्हाला नाही, आम्हाला फक्त आणि फक्त तो समोरचा डोंगर दिसतो त्या ठिकाणी विमान ज्या वेळेस त्या दिवा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे नाव आलं पाहिजे। दिवा पाटलांचं नाव विमानतळाला मिळावं म्हणून मी ठराव मांडला होता। आता या येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये सरकार आमचंच असेल आणि या सरकारमध्ये निश्चित स्वरूपात की या विमानतळाला दिवा पाटलांचं नाव दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। पाटील साहेबांचं नाव या विमानतळाला लागेपर्यंत आपला हा लढा चालू राहील। ज्या दिवशी किंवा इथून विमान तिथून लँडिंग होईल त्यावेळेला त्या विमानातली जी एअर हॉस्टेल बोलेल ते आता आपण भारतातल्या महाराष्ट्रातल्या नवी मुंबई दिवा पाटील इंटरनॅशनल विमानतळावर आपण उतरणार आहोत। नवीनबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम मिल गया है। प्रकल्पग्रस्तों के आंदोलन से झुके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जाते जाते अपने पिता बाला साहब ठाकरे का नाम हटाकर दीबा पाटिल का नाम घोषित कर दिया। यह भूमि पुत्रों के आंदोलन की बड़ी जीत मानी जा रही है। जी हाँ, यह जीत उन तमाम नेताओं के प्रयासों की भी है जिन्होंने एयरपोर्ट नामांतरण सर्वपक्षीय कृति समिति के बैनर तले पार्टी से ऊपर उठकर दीबा का नाम दिलाने के लिए संघर्ष किया। इन संघर्षों में पीएपी नेता दशरथ भगत की समर्पण भावना याद रखने लायक है, जिन्होंने मंच से लहू बहाकर प्रकल्पग्रस्तों में न्याय के लिए रक्तरंजित क्रांति का जोश भरा। पहली घोषणा होती हम देंगे, पहली घोषणा होती हम देंगे। आता दशरथ भगत म्हणतो कोण देईल किंवा देईल, पहिला खून हम देंगे।
एकच नाव। बताना जरूरी है कि एयरपोर्ट नामांतरण का यह आंदोलन कई मायनों में यादगार है। चाहे मानव श्रृंखला आंदोलन हो, गांव-गांव मशाल मोर्चा हो या ग्राम सभा की बैठकें, दशरथ भगत ने हर जगह प्रकल्पग्रस्तों का न सिर्फ स्वाभिमान जगाया बल्कि अपने लोकाधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित किया। जी हां, भूमिपुत्र परिषद भी याद करने लायक है, जहां दशरथ भगत ने अंधी बहरी सिडको और सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि यदि सरकार प्रकल्पग्रस्तों को न्याय देने से पहले उनका लहू चाहती है तो सबसे पहले एक भूमिपुत्र होने के नाते मैं उसे अपना लहू देता हूँ। और फिर क्या था, दशरथ भगत ने जैसे ही हाथों से लहू निचोड़ना शुरू किया, प्रकल्पग्रस्तों का जयघोष गूंज उठा। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसी यलगार ने लाखों भूमिपुत्रों को 24 जून के आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। सरकार जागी और एयरपोर्ट पर दीवा के नाम का फैसला हुआ। लहू देने के मामले में उनकी भावना क्या रही, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। जब सरकार हमेशा, और सरकार मांगे कौन, सरकार हमेशा पुलिस के माध्यम से खून लेता है। हम बोलते जब अभी सरकार को खून ही चाहिए तो खून ले लो, हम खून का अभिषेक करेंगे। तो वो फीलिंग थी कि जब हमारा दैवत, इस किसान का दैवत, हमारी पहचान, हमारा आइडेंटिटी, हमारा अस्मिता हम दिवा पाटिल साहब है, तो वो हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। उसका नाम लगने के लिए और हमारा अस्मिता जिंदा रहने के लिए, हमारा पहचान जिंदा रहने के लिए, और हमारा योगदान है, हमारा संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, इस भूमिपुत्र की, इस किसान का जो योगदान है वो जिंदा रखने के लिए उसका, इसीलिए वहाँ जब खून देने के लिए बोला तो खून भी देंगे, हमने खून दे दिया। जाहिर है नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने में अभी 3 साल लगने वाले हैं, जिसके बाद इस पर दीवा पाटिल का नाम दिया जाना है। पीएपी नेता दशरथ भगत मानते हैं कि अभी यह संघर्ष अधूरा है, इसलिए जब तक एयरपोर्ट पर नाम नहीं लग जाता तब तक भूमिपुत्रों के हक और अधिकार के लिए आंदोलन चलाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।